हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप यू आर ऑल विल बी फाइन। आज हमारा जो नेक्स्ट जो लेक्चर है वो दरअसल हेमोग्लोबिन के बारे में। अब तक हम लोग आरबीसी को काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब हम उसके आरबीसी की जो प्रो एरिथ्रोब्लास्ट स्टेज के अंदर जो हेमोग्लोबिन की जो साइंथेसिस हो रही थी, स्टार्ट हो गई थी प्रो एरिथ्रोब्लास्ट के स्टेज के अंदर। तो जो हीमोग्लोबिन की जो साइंथेसिस होती है वो कैसी होती है, उनके लिए किन किन चीज़ों का रिक्वायरमेंट हमें पड़ता है, किन किन प्रोटीन जरूरत, किन किन मिनरल्स की जरूरत हमें पड़ता है, अब हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट जो हीमोग्लोबिन होता है, अगर हम इसकी नॉर्मल वैल्यूज़ के बारे में बात कर लें, जिसका जो नॉर्मल वैल्यूज़ है, जो हीमोग्लोबिन जो होता है एट बर्थ यानी कि पैदाइश के वक्त जब बच्चा पैदा हो जाता है, उस वक्त हीमोग्लोबिन की जो कंसंट्रेशन होती है 23 ग्राम पर डेसीलीटर, यानी कि एक डेसीलीटर के अंदर आपको 23 ग्राम हीमोग्लोबिन मिलेगा, यानी कि डेसीलीटर तकरीबन 100 ml के बराबर होता है। सही, एक पर डेसीलीटर को या 100 ml को, यानी कि 100 ml के अंदर आपको 23 ग्राम आपके मिलेगा हीमोग्लोबिन मिलेगा। क्योंकि एट बर्थ के अंदर आरबीसी की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से, इस वजह से एट बर्थ क्या होती है, हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। जैसे बच्चा पैदा हुआ उसके तकरीबन थर्ड मंथ पे या थर्ड मंथ के लास्ट में, तो जो हीमोग्लोबिन होती है उसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो कितनी होती है, 10.5 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। क्योंकि इस वक्त जो हीमोग्लोबिन की जो कंसंट्रेशन होती है वो दरअसल डिक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो बेबी होता है वो माँ की मिल्क पे डिपेंडेंट होता है, क्योंकि माँ की मिल्क में आयरन की डिफिशेंसी होती है, इस वजह से इसके जो आरबीसी होगी 100 ml आरबीसी के अंदर इसकी जो हीमोग्लोबिन की जो कंसंट्रेशन होगी वो दरअसल कम होगी, क्योंकि यहाँ बेबी जो है ना मदर की मिल्क पर इनहसार कर रही है, क्योंकि मदर की मिल्क में आयरन की कमी होती है। जो एडल्ट होते हैं, एडल्ट के अंदर हीमोग्लोबिन की जो कंसंट्रेशन होती है और मेल और फीमेल के अंदर दोनों के अंदर वरी होता है, मतलब मुख्तलिफ होते हैं। मेल के अंदर आपको एक डेसीलीटर के अंदर यानी कि 100 ml के अंदर आपको 15 ग्राम हीमोग्लोबिन मिलेगा, और फीमेल के अंदर 14 ग्राम यानी 14 ग्राम पर डेसीलीटर आपको हीमोग्लोबिन मिलेगा। अगर हम क्लिनिकली देख लें, अगर हम लोग क्लिनिकली ये देख लें कि किसी के जो हीमोग्लोबिन है एक डेसीलीटर के अंदर 40.8 ग्राम आ रहा है, तो हम कहते हैं कि इसकी जो हीमोग्लोबिन की जो कंसंट्रेशन है वो 100% जो है ना पूरा है। अगर किसी भी चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, कोई भी एडल्ट हो, अगर उसकी ब्लड के अंदर वो एक डेसीलीटर के अंदर हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन 40.8 ग्राम आ रहा है, तो उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन होगी वो हम ऐसे कंसीडर करेंगे कि उसके अंदर हीमोग्लोबिन जो है ना 100% जो है ना पूरा है। उसके बाद कुछ टर्म्स है जो हम लोग यूज़ करते हैं। जब भी एक टर्म होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन कब कहते हैं, जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ हो, यानी कि जब ये ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो, तब इस कंडीशन में हीमोग्लोबिन को हम क्या कहेंगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जब कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो, जब कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ क्या हो, अटैच हो, तब हम इसे क्या कहते हैं, कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन कहते हैं। जब हीमोग्लोबिन के साथ ना ही कार्बन डाइऑक्साइड अटैच हो ना ही ऑक्सीजन अटैच हो, तब हम इसे क्या कहते हैं, रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन या डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन कहते हैं। जब हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड अटैच हो, तब इसे हम क्या कहते हैं, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन या फिर कार्बन मोनोऑक्सी हीमोग्लोबिन। उसके बाद जो हीमोग्लोबिन है, जब ये दरअसल क्या है, एक रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन है। क्यों रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन, इसके साथ ना कोई ऑक्सीजन अटैच है, ना ही कोई कार्बन डाइऑक्साइड, ना ही कोई कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसके साथ इन तीनों में कोई भी चीज़ अटैच ना हो, तो इसे हीमोग्लोबिन को क्या कहते हैं, रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन, जिसके साथ कोई भी चीज़ अटैच ना हो। अगर रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन के साथ एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अटैच हो जाए, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का
हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाना, क्योंकि हमें पता है कि हीमोग्लोबिन के अंदर जो आयरन होता है वो दरअसल Fe+2 के फॉर्म में होता है, यानी कि फेरस आयन की शक्ल में होता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाना और Fe+2 को Fe+3 के अंदर कन्वर्ट कर देना, तब ऐसे हीमोग्लोबिन को हम क्या कहेंगे, मिथिनोग्लोबिन इसे हम कहते हैं, मिथिनोग्लोबिन इसे हम कहते हैं। यानी कि किसी भी हीमोग्लोबिन के साथ अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अटैच हो जाए और उसके अंदर जो Fe+2 का जो फॉर्म है आयरन होता है उसे कन्वर्ट कर दे इनटू Fe+3 जिसे हम फेरिक आयन कहते हैं, इसके अंदर कन्वर्ट कर दे, तो ऐसा हीमोग्लोबिन को हम क्या कहेंगे, मेथिनोग्लोबिन इसे हम कहते हैं। आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, आपके कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आपके जिस्म से यानी कि एक्सक्रीट होता है, इसके ज़रा हम देख लें। सेल के अंदर जब फूड की बैकडोर होती है तो उसके नतीजे के दौरान वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिल जाता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की मौजूदगी में, तो ये क्या बना देता है, कार्बोनिक एसिड बना देता है। ये कार्बोनिक एसिड जो है ना जब ब्लड के अंदर आता है तो ये टूट जाता है इंटू H+ एंड बाई कार्बोनेट्स की शक्ल में। ये बाई कार्बोनेट्स आपके ब्लड के अंदर क्या हो, क्या कर रहा है, सर्कुलेट हो रहा होता है, यानी कि जा रहा होता है किसकी तरफ, लंग्स की तरफ। लंग्स तक जब जैसे ये पहुंच जाता है तो ये वापस कार्बो ये जो बाई कार्बोनेट्स प्लस हाइड्रोजन आपस में मिलके वापस कार्बोनिक एसिड बना देते हैं, कार्बोनिक एसिड वापस कन्वर्ट हो जाता है इंटू द कार्बन प्लस वाटर के अंदर, जो कार्बन होता है वो आपके जिस्म से क्या हो जाता है, एक्सक्रीट हो जाता है। इस तरीके से आप कार्बन डाइऑक्साइड आपके जिस्म से क्या होता है, एक्सक्रीट होता है। ये थी अभी तक जो हमने पढ़ लिया था हीमोग्लोबिन की जो नॉर्मल वैल्यूज थी और हीमोग्लोबिन के कुछ टर्म्स थे जो हम लोग यूज़ करते थे। अब जो है ना हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए यानी कि फॉर सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, फर्स्ट वन दैट इज़ द प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन, दैट इज़ द ग्लोबिन प्रोटीन। आप जानते हो कि हीमोग्लोबिन के अंदर जो ग्लोबिन पोर्शन होता है वहाँ पे एक प्रोटीन होता है जिसे क्या कहते हैं, ग्लोबिन। वो ग्लोबिन प्रोटीन हमें दरकार होती है हीमोग्लोबिन के लिए। सेकंड वन आपको मिनरल्स की ज़रूरत होती है। किन किन मिनरल्स की ज़रूरत होती है हीमोग्लोबिन बनाने के लिए, कोबाल्ट, कॉपर, कैल्शियम एंड आयरन। स्पेशली जो आयरन जो मिनरल होता है स्पेशली हमें रिक्वायर होता है फॉर हीम बनाने के लिए, सही, हीम ग्रुप को बनाने के लिए। सही, देखो हीमोग्लोबिन का जो हीमोग्लोबिन है इसमें दो पोर्शन होते हैं, एक होता है हीम और एक होता है ग्लोबिन। जो हीम पोर्शन होता है इसके अंदर, इसके लिए हमें स्पेशली किसकी ज़रूरत होती है, आयरन की। स्पेशली किसी की ज़रूरत होती है, आयरन की। और ग्लोबिन को बनाने के लिए हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, प्रोटीन की, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्लोबिन प्रोटीन कहते हैं। तो हमें हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है, कौन सा प्रोटीन, दैट इज द ग्लोबिन प्रोटीन। और हीमोग्लोबिन बनाने के लिए हमें मिनरल्स की जरूरत होती है, किन मिनरल्स की, कोबाल्ट, कॉपर, कैल्शियम एंड आयरन। जो आयरन स्पेशली किसके लिए होता है, हीम के बनाने के लिए। और थर्ड हमें जो ज़रूरत होती है हीमोग्लोबिन को सिंथेसिस करने के, हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए, दैट इज़ द विटामिन। विटामिन की कौन कौन से विटामिन में ज़रूरत होती है हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए, विटामिन सी हमें दरकार होती है, विटामिन B12, फोलिक एसिड, क्योंकि ये तीनों ही विटामिन स्पेशली फोलिक एसिड एंड विटामिन B12 ये आपकी DNA को बनाने के लिए दरकार होता है, ताकि DNA को अगर बना ले, सिंथेसाइज कर ले, तो ये DNA आपकी RBC के डेवलपमेंट के लिए यूज़ होता है। तो ये तीन चीज़ें हमें दरकार होती है हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए, फर्स्ट दैट इज़ द प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन, ग्लोबिन, मिनरल्स एंड विटामिन्स। इसके बाद हम देखते हैं कि हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर, हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है। हम जानते हैं कि हीमोग्लोबिन को अगर हम लोग डिवाइड कर दें टू पार्ट्स, द वन इज़ द हीमोग्लोबिन के दो दो वर्ड्स हैं का मजमू है, द फर्स्ट वन दैट इज़ हीम, द सेकंड वन दैट इज़ द ग्लोबिन। हीम होता है, हीम जो है ना दरअसल आयरन प्लस फोर आयरन से मिलकर बना होता है, और ग्लोबिन आपको पता है कि दरअसल ये क्या है, एक प्रोटीन है। तो जो हीम है वो किस चीज़ से बना होता है, आयरन प्लस फोर आयरन की कम्बिनेशन से आप क्या मिल जाता है, हीम। और ग्लोब और प्रोटीन नाम है जिस एक प्रोटीन, तो जिसे कहते हैं ग्लोबिन, ये इस हीम के साथ मिल जाता है, क्या बना देता है, हीमोग्लोबिन बना देता है।
आपको पता है आयरन, आयरन तो आयरन आपको पता है एफ ई प्लस टू की शक्ल में होता है, यानी कि फेरस की शक्ल में होता है। जो फोर पायरन होता है दरअसल इसके अंदर होता है फोर फायरोल रिंग्स। जो फोर पायरन आपको होता है दरअसल क्या होता है, फोर फायरोल रिंग्स होते हैं। फायरोल रिंग किसे कहते हैं, फाइव कॉर्नर वाला एक एरोमेटिक कंपाउंड जिसके साथ एक नाइट्रोजन अटैच, जो दैट इज कॉल्ड फायरोल रिंग। ये जो सारे जो फायरोल जो रिंग्स है इसको कनेक्टेड किया गया है बाय मीथेन, कनेक्टेड बाय मीथेन। मीथेन कौन सा ग्रुप होता है, दैट इज द कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एंड हाइड्रोजन के साथ क्या हो, अटैच हो, दैट्स कॉल्ड मीथेन। उसके बाद आपको जो है ना इसके इर्द गिर्द आपको थ्री साइड चेंज देखने को मिलेंगे। फोर मिथाइल ग्रुप्स मिलेंगे आपको, टू विनाइल ग्रुप्स कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन CH2 एंड टू प्रोपायोनेज ग्रुप मिलेंगे CH2 एंड एसिड ग्रुप। और जो आपका जो ग्लोबिन होता है, ग्लोबिन दरअसल आप अगर आप देख रहे हैं ग्लोबिन दरअसल बना होता है टू अल्फा चेन से प्लस टू बीटा चेन से। जो टू अल्फा चेन से वो दरअसल 141 अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है, और टू बीटा जो चेन्स होते हैं दरअसल 146 अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है। अब मैं आपको हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर है दरअसल बना के दिखा देता हूँ ताकि आपको सही तरीके से समझ आ जाए। मैंने कहा ईम जो है ना वो दरअसल किस चीज़ बना होता है, आयरन प्लस फोर फायरिन से, कि आयरन प्लस फोर फायरिन से। तो दरअसल जो फोर फायरिन है वो दरअसल क्या होता है, फोर फायरोल रिंग्स होते हैं। फोर फायरोल रिंग्स किसे कहते हैं, पांच कार्बन वाला एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है जिसके ऊपर एक नाइट्रोजन अटैच हो। फॉर एग्जांपल आप मैं चार दाने फायरोल रिंग्स उठाता हूँ, दिस माय फायरोल रिंग वन, दिस माय सेकंड फायरोल रिंग, दिस माय थर्ड फायरोल रिंग एंड इज आवर फोर्थ फायरोल रिंग। ये मेरे चार फायरोल रिंग्स है जो मैंने बताया आपको थ्योरी के अंदर। मैंने कहा फोर फायरोल रिंग्स और बीच में क्या होता है, दैट इज द आयरन, एक आयरन और फोर फायरोल रिंग्स। मैंने कहा था एक का आयरन होता है और फोर फायरोल रिंग्स होते हैं, दिस द फोर फायरोल रिंग्स। ये मैंने उसके बाद मैंने कहा कि जो फोर फायरोल रिंग्स है ये कनेक्टेड है बाय कौन से ग्रुप, मीथेन ग्रुप, कौन से ग्रुप, मीथेन ग्रुप। फॉर एग्जांपल अब ये कार्बन है CH, सही है, दिस द कार्ब, यहाँ से कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एंड हाइड्रोजन, दिस आवर मीथेन ग्रुप, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एंड हाइड्रोजन, सही है। इसके बाद ये यहाँ पे सिंगल बॉन्ड और यहाँ से वंस अगेन डबल बॉन्ड, दिस सिंगल बॉन्ड, हियर इज वंस अगेन कार्बन, दिस द डबल बॉन्ड, वंस अगेन सिंगल बॉन्ड, वंस अगेन कार्बन डबल बॉन्ड एंड हियर इज अ सिंगल बॉन्ड। ये क्या है, दरअसल जो बीच में है ये दिस द मीथेन ग्रुप, ये हमारा क्या है, ये हमारा मीथेन ग्रुप है जो चारों फायरोल रिंग्स क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है दूसरे के साथ। चारों फायरोल रिंग्स को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। दिस इज द वन फायरोल रिंग, द सेकंड फायरोल, थर्ड एंड फोर्थ फायरोल रिंग्स। मैंने चार फायरोल रिंग्स कहा और इसके दरमियान में क्या है, एक आयरन है, इसके दरमियान क्या है, एक आयरन है। और ये चारों फोर फायरोल जो रिंग्स है ये कनेक्टेड है बाय मीथेन ग्रुप, ये कनेक्टेड है बाय मीथेन ग्रुप के जरिए, दिस आवर मीथेन ग्रुप्स। अब उसके बाद मैंने कहा थ्री साइड चेन्स आपको देखने को मिलेंगे, द फर्स्ट फोर मिथाइल ग्रुप्स आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि चारों फोर जो फायरोल जो रिंग है इन चारों फोर फायरोल के ऊपर आप क्या मिलेंगे, आपको मिलेंगे मिथाइल ग्रुप्स। अब क्या मिलेंगे, मिथाइल ग्रुप, दिस आवर वन मिथाइल ग्रुप, CH3 इज कॉल्ड मिथाइल ग्रुप। यहाँ पे भी आपको एक मिथाइल ग्रुप मिलेगा, अब यहाँ पे भी आपको एक मिथाइल ग्रुप देखने को मिलेगा और यहाँ पे भी आपको एक मिथाइल ग्रुप देखने को मिलेगा। हमने कहा थ्री साइड चेंज होते हैं, फोर मिथाइल ग्रुप्स आपको देखने को मिलेंगे, दिस आवर फोर मिथाइल ग्रुप्स।
सेकेंड वन दैट इज टू विनाइल ग्रुप्स आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि टू फाइब्रो रिंग्स के ऊपर आपको टू विनाइल ग्रुप्स को देखने को आपको मिलेंगे। टू विनाइल ग्रुप्स, विनाइल ग्रुप क्या थे, कार्बन हाइड्रोजन कार्बन डबल बॉन्ड सी एच टू, यहाँ पे भी कार्बन हाइड्रोजन कार्बन डबल बॉन्ड, दिस द टू विनाइल ग्रुप्स, दिस द टू, दिस आवर मिथाइल ग्रुप, ये हमारा क्या है, दिस आवर मिथाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप एंड दिस वन इज आवर विनाइल ग्रुप, दिस आवर विनाइल ग्रुप। उसके बाद मैंने कहा था कि टू प्रोपायोनोज ग्रुप, टू प्रोपायोनेज ग्रुप आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैं अटैच कर देता हूँ टू प्रोपायोनेज ग्रुप सी एच टू, सी एच टू कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एसिड ग्रुप, और इसके साथ यहाँ पे इस फायरोल्डिंग पे आप अगर आप देख ले सी एच टू, सी एच टू एंड सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो यही जो मैंने यहाँ पे कहा था, मैंने कहा स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन कैसा होता है, इसके दो पोर्शंस थे हीम एंड ग्लोबिन, हीम जो होता है ये दो, इस जो हीम जो पोर्शन होता है हीमोग्लोबिन का, ये दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, द फर्स्ट वन दैट इज़ द आयरन, द सेकेंड वन दैट इज़ द फोर फायरिन, इसे कहते हैं। आयरन दरअसल ये आपको बीच में देखने को मिल रहा है, दैट इज़ एफ ई प्लस टू की फॉर्म, आपको फोर फायरो रिंग्स मिलेंगे आयरन प्लस फोर फायरोल रिंग्स, दिस वन फायरोल रिंग, फायरोल रिंग से कहते हैं पांच कॉर्नर वाला कार्बन और एक नाइट्रोजन हो, दिस द फोर फायरोल रिंग्स आपको देखने को मिल रहे हैं, एक दो तीन एंड चार, फोर फायरोल रिंग्स आपको देखने को मिल रहे हैं। जो फोर फायरोल रिंग्स है ये कनेक्टेड है बाय मीथेन ग्रुप, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन, अब यहाँ पे देखो ये एक फायरोल रिंग, ये दो फायरोल आपस में कनेक्टेड है बाय मीथेन ग्रुप, सही है, ये दोनों कनेक्टेड है बाय मीथेन ग्रुप, दिस द मीथेन ग्रुप कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, दिस द वन हाइड्रोजन, सही है, इस तरह ये दो फायरोल रिंग इसी तरह मीथेन ग्रुप के जरिए कनेक्टेड है, इस तरह ये दो फायरोल रिंग एक मीथेन ग्रुप से कनेक्टेड है, इसी तरह ये दो फायरोल रिंग्स मीथेन ग्रुप के जरिए क्या है कनेक्टेड है, तो क्या है फोर फायरोल रिंग्स मैंने कहा था कनेक्टेड बाय मीथेन ग्रुप। उसके बाद आपको फोर फायरो रिंग्स के इर्द गिर्द आपको थ्री दाने, तीन दाने आपको साइड चेंज मिलेंगे, थ्री दाने आपको तीन दाने आपको क्या मिलेंगे साइड चेंज मिलेंगे, फोर मिथाइल ग्रुप्स आपको मिलेंगे इस फायरो ग्रुप के इर्द गिर्द, दिस द वन मिथाइल ग्रुप, दिस द सेकेंड मिथाइल ग्रुप, दिस द फोर्थ मिथाइल ग्रुप एंड दिस वन इज द वेयर दिस द फिफ्थ द फोर्थ वन मिथाइल ग्रुप, सही है, एक दो थ्री एंड फोर, दिस आवर फोर मिथाइल ग्रुप। फिर मैंने कहा आपको टू विनाइल ग्रुप्स मिलेंगे, दिस द वन विनाइल ग्रुप एंड दिस द सेकेंड विनाइल ग्रुप, फिर मैंने कहा टू प्रोपायोनेज ग्रुप आपको मिलेंगे, दिस द वन प्रोपायोनेज ग्रुप, दिस द प्रोपायोनेज ग्रुप, आपको टू प्रोपायोनेज ग्रुप देखने को मिलेंगे, दिस द वन प्रोपायोनेज सेकेंड प्रोपायोनेज, ये सारी चीज़ें मिलकर क्या बना देते हैं आपकी, कौन सा पोर्शन आपको बना देता है, हीम बना देता है, क्या बना देता है, हीम बना देता है। जो ग्लोबिन पोर्शन होता है, जो ग्लोबिन होता है दरअसल ये बना होता है दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, इसके अंदर जो ग्लोबिन होता है ये दो चीज़ों मिलकर बना होता है, टू अल्फ़ा चेन इसके अंदर होते हैं और टू बीटा चेन्स होते हैं, जो टू अल्फ़ा चेन्स होते हैं 141 अमीनो एसिड मिलकर बना होता है और जो टू बीटा चेन्स होते हैं ये 140 अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है, ये टू अल्फ़ा और टू बीटा मिलकर क्या बना देता है ग्लोबिन बना देता है। इसी तरह अगर हम लोग ये देख ले दिस द वन आयरन, इसके इर्द गिर्द ये एक आयरन है, इसके इर्द गिर्द आपको क्या मिलेंगे ग्लोबिन चेन्स मिलेंगे, दिस द अब यहाँ पे देखो दिस द टू अल्फा चेन्स एंड दिस द टू बीटा चेन्स, दिस द आयरन ये इर्द गिर्द आप क्या मिल रहे हैं टू अल्फा चेन्स मिल रहे हैं और जो नीचे हैं ये आप क्या मिल रहे हैं टू बीटा चेन्स मिल रहे हैं, तो टू अल्फा चेन्स और टू बीटा चेन्स, टू अल्फा चेन्स
और टू बीटा चेन्स मिल क्या बना रहे हैं, ग्लोबिन बना रहे हैं। यहाँ पे आयरन है, दिस द आयरन, और इसके इर्द गिर्द फोर फायरोल जो रिंग्स जो मैंने बना के दिखाए थे ना, ये यहाँ पे इसके इस वजह से मौजूद है। और ये मिल के क्या बनाता है आपका कम्प्लीट एक हेमोग्लोबिन क्या हो जाता है, बन जाता है। सही, अब तक हम लोगों ने सिंथेसिस ऑफ हेमोग्लोबिन देख लिया था, स्ट्रक्चर ऑफ हेमोग्लोबिन देख लिया था, उसकी नॉर्मल वैल्यूज हम लोगों ने देख लिए थे। अब हम लोग देखने को जा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ हेमोग्लोबिन, कि हेमोग्लोबिन दरअसल बनता कैसे हैं। आपका कुछ स्टेप्स माइटोकॉन्ड्रिया के होते हैं के अंदर होते हैं, और कुछ स्टेप आपके साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। दरअसल ये ऑल प्रोसेस, ये जो प्रोसेस हो रहा है फॉर्मेशन ऑफ हेमोग्लोबिन, ये दरअसल आपके आरबीसी के अंदर हो रहा है, मगर कुछ स्टेप्स आपके आरबीसी के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं और कुछ स्टेप्स आपके साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहे होते हैं। आपके फर्स्ट जो स्टेप होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, सिक्सिनाइल को है प्लस ग्लाइसिन मिल के क्या बना देता है, डेल्टा अमाइनो लेवलोनिक एसिड। इन द प्रेजेंस ऑफ ALA साइंथेटेज एंजाइम की मौजूदगी में ये क्या बना देता है, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ डेल्टा अमाइनो लेवलोनिक एसिड बना देता है। याद रखना, जो सेक्सिनाइल कोए होता है और ग्लाइसिन, ये आपस में मिल जाते हैं, क्या बना देता है, डेल्टा अमाइनो लेवलोनिक एसिड बना देता है। सही, कि एक एंजाइम की मौजूदगी, उस एंजाइम का नाम क्या होता है, ALA साइंथेटेज एंजाइम, इसे AL का ये शॉर्ट फॉर्म है। सही, डेल्टा अमाइनो लेवलोनिक एसिड साइंथेटेज एंजाइम, ये जो टू डेल्टा अमाइनो लेवलोनिक एसिड है ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू फोर प्रोफोबिलिनोजिन के अंदर, जिसे हम PBGB कहते हैं शॉर्ट फॉर्म के अंदर। इस दौरान क्या हो जाता है, जो दो डेल्टा अमाइनो लेवलोनिक एसिड होता है ये आपस में कंडेंस हो जाते हैं, कंडेंस होने के नतीजे में वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है। क्या हो जाता है, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है। वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होने के टू वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाते हैं, क्या बना देता है, फोर प्रोफोबिलिनोजिन बना देता है, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम दैट इज कॉल्ड ALA डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की मौजूदगी में। फिर उसके बाद आपका जो फोर प्रोफोबिलिनोजिन ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू यूरो फोर फायरिनोजिन के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है। इस दौरान एक एंजाइम यूज होता है जिसे क्या कहते हैं, PBG डाइअमाइनेज एंजाइम की मौजूदगी में क्या बना देता है, यूरो फोर फायरिनोजिन बना देता है। और इस दौरान क्या होता है, फोर मालिक्यूल्स ऑफ अमोनिया क्या हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं। उसके बाद यूरो फोर फायरिनोजिन ये कन्वर्ट हो जाता है इंटू कोप्रो फोर फायरिनोजिन के अंदर। यहाँ पे एक एंजाइम यूज होता है जिसे क्या कहते हैं, UPG डी कार्बो ऑक्सीलेज एंजाइम की मौजूदगी में क्या बना देता है, कोप्रो फोर फायरिनोजिन। इस दौरान क्या होता है, फोर कार्बन डाइऑक्साइड मालिक्यूल क्या हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं। इसके बाद कोप्रो फोर फायरिनोजिन जो है ना ये कन्वर्ट हो जाता है इंटू प्रोटो फोर फायरिनोजिन के अंदर। यहाँ पे एक एंजाइम यूज होता है जिसे क्या कहते हैं, CpG ऑक्सीडेज एंजाइम, ये कन्वर्ट कर देता है कोप्रो फोर फायरिनोजिन को इंटू प्रोटो फोर फायरिनोजिन के अंदर। इस दौरान यहाँ पे NADP मौजूद होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है NADH+H के अंदर। उसके बाद आपका जो प्रोटोफोर फायरिनोजिन है ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू प्रोटोफोर फायरिंग के अंदर, इन द प्रेजेंस ऑफ PPG ऑक्सीडेज एंजाइम की मौजूदगी में। उसके बाद आपका प्रोटोफोर फायरिंग जो है ना ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू ईम के अंदर, ये प्रोटोफोर फायरिंग जो है ना ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू ईम के अंदर, इन द प्रेजेंस ऑफ ईम सिंथेटेज एंजाइम। और एक और एंजाइम होता है जिसे हम फेरोजिलेटेज एंजाइम भी कहते हैं, ये दोनों एंजाइम की मौजूदगी में प्रोटोफोर फायरिन कन्वर्ट हो जाता है इनटू हीम के अंदर। और इस दौरान आपका आयरन की एडिशन भी हो रहा होता है इस ईम के अंदर से, आयरन का एडिशन भी इसी ही स्टेज के अंदर आयरन की एडिशन हो रहा होता है इस ईम के अंदर, जब प्रोटोफोर फायरिन ईम सिंथेटेज और फेरोजिलेटेज एंजाइम की मौजूदगी में कन्वर्ट हो रहा होता है ईम के अंदर। इसी दौरान आपका आयरन भी इसी हीम के अंदर क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा होता है। फिर बाद में क्या होता है कि ये जो ईम होता है, ईम
ईम दरअसल मिल जाता है किसके साथ, ग्लोबिन के साथ। ग्लोबिन मैंने अभी कहा कुछ मिनट पहले के टू अल्फा चेन और टू बीटा चेन मिलकर क्या बना देता है, एक प्रोटीन मॉलिक्यूल, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्लोबिन कहते हैं। अब ये जो ग्लोबिन है, अब ये जो ग्लोबिन है, अब ये ईम जो है ना, ये ग्लोबिन के साथ मिल जाता है और क्या बना देता है, एच बी, जिसे हम क्या कहते हैं, हेमोग्लोबिन। अब यहाँ पे मैंने कहा कुछ कुछ स्टेप्स ऐसे होते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं, कुछ स्टेप्स ऐसे होते हैं जो आपके साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। जब सिक्सनाइल कोए प्लस ग्लाइसिन आपस में मिले थे, डेल्टा अमाइनो लिवरोनिक एसिड बनाया था, तो ये जो स्टेप होते हैं, ये दरअसल आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं। उसके बाद डेल्टा अमाइनो लिवरोनिक एसिड जो कन्वर्ट हो चुका था प्रोफोबिलिनोजिन प्रोडक्ट जब बना था, ये जो प्रोफोबिलिनोजिन बना, ये दरअसल ये स्टेप आप कहाँ पे होता है, दरअसल आपका साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। और ये प्रोफोबिलिनोजिन जब कन्वर्ट हो चुका था यूरोफोर पाइरिनोजिन के अंदर, ये स्टेप भी आपके कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर। यूरोफोर पाइरिनोजिन जो है ना कन्वर्ट हो चुका तो इनटू कोप्रोफोर पाइरिनोजिन, ये स्टेप वापस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो जाता है। उसके बाद कोप्रोफोर फायरिनोजिन कन्वर्ट हो जाता है इनटू प्रोटोफोर फायरिनोजिन, ये स्टेप भी आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होता है। उसके बाद प्रोटोफोर फायरिनोजिन ये कन्वर्ट हो चुका था इनटू प्रोटोफोर फायरिन, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्टेप था। जब प्रोटोफोर फायरिन कन्वर्ट हो चुका ईम के अंदर, जब प्रोटोफोर फायरिन कन्वर्ट हो चुका ईम के अंदर, जब ईम बना, ये स्टेप आपका साइटोप्लाज्म के अंदर था। जब ईम बना तो ये ईम जो है ना साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाता है, और साइटोप्लाज्म के अंदर ईम के ग्लोबिन, ईम जो है ना जो प्रोटोफोर फायरिन जब कन्वर्ट हुआ ईम के अंदर, तब ईम जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया से निकल के कहाँ पर आ गया, साइटोप्लाज्म के अंदर, और साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लोबिन के साथ मिल गया और क्या बना दिया, आपका हेमोग्लोबिन बना दिया। सो दिस इज़ आवर लेक्चर जो आपकी हेमोग्लोबिन के बारे में था। हेमोग्लोबिन के हर इस एक पॉइंट को हमने यहाँ पे शेयर कर लिया कि बता दिया आपको कि हेमोग्लोबिन है क्या, उसके नॉर्मल वैल्यूज क्या थे, और उसके साथ ही साथ उसकी कुछ टर्म्स थे जो मैंने बताए, जो डेफिनेशन जो आपके एग्ज़ाम्स में अक्सर आते हैं। और इसके साथ मैंने आपको साइंटिसिस ऑफ हेमोग्लोबिन बता दिया कि हेमोग्लोबिन के लिए किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत होता है। और इसके साथ मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ हेमोग्लोबिन समझा दिया कि हेमोग्लोबिन का दरअसल स्ट्रक्चर कैसा होता है। उसके बाद फिर मैंने आपको फॉर्मेशन ऑफ हेमोग्लोबिन बता दिया कि हेमोग्लोबिन की फॉर्मेशन कैसी होती है, कंप्लीट एक डिटेल में एंजाइम के साथ हर एक एक स्टेप बता दिया, और कौन स्टेप किस जगह पे होते हैं ये भी आपको बता दिया। तो दिस ऑल अबाउट हेमोग्लोबिन के बारे में था, हमने काफ़ी डिटेल में हेमोग्लोबिन को डिस्कस कर लिया। सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो को, शेयर करते रहे ताकि दूसरे भी स्टूडेंट इससे बेनिफिट हासिल कर सके। और आप लोग भी अगर किसी से अगर आप लोग को इस टॉपिक के दौरान किसी संग कभी कोई चीज़ का सवाल पूछना है तो काइंडली आप लोग कमेंट में लिख लीजिए, तो मैं आपको उसका सवाल का जवाब दे दूंगा। थैंक्स अलॉट्स।